गाइस जय हिंद, मैं निलेश आपका क्रिकेट साथी एक बार फिर से वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। और एमपीसीए जो कि कैंप ऑर्गेनाइज करवा रही है सीनियर प्लेयर्स के लिए, उसी की लिस्ट के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जो कि बता देता हूँ, ये कैंप लग रहा है उसी के अंदर से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी की टीम, विजय हजारे ट्रॉफी की टीम, इसी कैंप की लिस्ट के अंदर से चुना जाना है। गाइस किन किन खिलाड़ियों को जो कि लिस्ट और कैंप में मौका मिला है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कैंप में जो कि है 16 अक्टूबर को रिपोर्ट करना है उनके स्टेडियम में, और जो कि कैंप है 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। डिस्कस कर लेते हैं, सबसे पहला नाम है वेंकटेश अय्यर जो कि अवेलेबल नहीं हो पाएंगे तो उनकी जगह चेंज हो जाएगा। रजत पाटीदार, पाद सहानी, आदित्य श्रीवास्तव, शुभम शर्मा, ऋषभ चौहान, अर्पित गोड, सारांश जैन, कुमार कार्तिकेय, मीर हिरवानी, अंकित शर्मा, राकेश ठाकुर, अभिषेक भंडारी, हिमांशु मंत्री, ईश्वर पांडे, आवेश खान भी जो कि है नेट बॉलर के रूप में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के साथ है तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। अशरद खान, राहुल बादम, पुनीत दादे, कुलदीप सैन, ये है जो कि कैंप की लिस्ट है, इन खिलाड़ियों को मौका मिला है। और दो गाइस मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, मेरा क्रिकेट कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि ऐसे क्रिकेट रिलेटेड कॉन्टेंट्स मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।